ये वीडियो देखकर मैडम सर एकदम पिघल जाएंगी। देखो पुष्पा जी, गर्मी तो है इतनी कि आइसक्रीम पिघल जाए, लेकिन मैडम सर पिघले। बिल्ले अमर जड़ बुद्धि, नहीं कहे तो फिर बातें भी तो ऐसी मत किया करो ना, बात ऐसी करती हो। खैर पुष्पा जी, संतोष जी आपका डिस्कशन बाद में कीजिए, मैडम सर आ गए। मैडम सर के सामने बिल्कुल ओवर एक्टिंग मत करना तुम। संतोष जी सीखो सीखो, पुष्पा जी से कुछ सीखो। हाय बेचारे डीएसपी सर, देखो तो एकदम ही देवदास बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर इन्हें कोई जोक भी सुनाए ना तो बेचारे हंसने के बजाय रोना शुरू कर देंगे। अब कौन? मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप कब हमारे कहने का मतलब है आप यहाँ कब, पता ही नहीं चला। क्या छुपा रही हैं? मैडम सर वो हम डीएसपी सर के सोशल मीडिया पर उनके सैड वीडियोस देख रहे थे। संतो क्या दिखाइए जरा। हाँ हाँ दिखाइए पुष्पा जी, अब तो सोशल मीडिया पर है, छुपा कर क्या ही करेंगे। दिखाइए। ठीक है अब तुम इतना कहती हो तो देख लीजिए। डीएसपी सर को तो देखकर लग रहा है उनके जीने की वजह ही नहीं बची। बेचारे बेचारे डीएसपी सर। लकी लकी आग दोनों तरफ बराबर लग गई। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में ही नहीं रहे तो क्या करें मैडम सर, वो टोपा आदमी बुलबुल पांडे उसने चीते को गिरफ्तार कर लिया और अपने थाने में लेके चला गया। क्या? क्या? क्यों लेके? चीते को गिरफ्तार किया क्यों? ऐसे मगर? हाँ, वो तो अच्छा वो हम मैडम बताइए ना क्या हुआ। जुर्म पता हो तो ना मैडम सर, उसने बस हमको ये बताया कि किसी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और बस उठा के वो उसको थाने में ले गया। अगर चीते को कुछ हुआ ना तो उस बुलबुल पांडे का नाम मैया कसम चपड़ा फाड़ के अलग कर देंगे। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए, बुलबुल पांडे ने अगर एक ऑफिसर को अरेस्ट किया है, कांस्टेबल को अरेस्ट किया है, तो आई एम श्योर उसके पास कोई सबूत तो जरूर होगा। हम पहले ठीक से समझ ले कि सिचुएशन क्या है। नहीं नहीं मैडम सर, ये साफ जाहिर है, ये जाहिर है कि वो पुराना दुश्मन ही निकाल रहा है हम सबके साथ। झूठे केस के चक्कर में उसको गिरफ्तार करके लेके गया, हम नहीं छोड़ेंगे उस बुलबुल पांडे को। करिश्मा सिंह आपके गुस्सा करने से चीजें और बिगड़ सकती है। अगर चीता ने कुछ नहीं किया है तो हम उसे सही सलामत वापस लेंगे, ठीक है? हम अभी जाते हैं उसके थाने और पता लगाते हैं कि बात क्या है। संतोष शर्मा चलिए। जी मैम। मिस्टर बुलबुल पांडे, चीता चतुर्वेदी के खिलाफ क्या FIR है? क्या हसीना जी, अरे प्यार में धोखा दिया है एक लड़की को इसने। क्या सर? बुलबुल सर, ये है वो लड़की। इश सब कुछ भुला दिया, वफा का कैसा सिला दिया मेरे अमर प्रेमी। अमर प्रेमी? देखिए देखिए देवी जी प्रेमी तो हम हैं, लेकिन अमर प्रेमी जो आप बोल रही हैं ना ये हम नहीं है। संतु जी बताइए ना, इनको समझाइए। एक सेकंड, अमर प्रेमी? देखो तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, ये अमर प्रेमी नहीं है, ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। नहीं ये मेरे अमर प्रेमी है। अमर प्रेमी जिए तो जिए, कैसे बिन आपके। गजब। गजब गजब, ऐसा इतना प्यारा भोला भाला इंसान को अपना पर्सनल बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतु जी ना चीता शांत रहो, शांत। देखिए मिस्टर जी आप रोइए नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। ये लीजिए रुमाल, लीजिए हाथ से पकड़। मैडम जी ऐसे ही हमारी मिस्टी रोती जा रही है। वो सब तो ठीक है अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हम कोई अंकल वंकल नहीं है, हम हमारी मिस्टी के बेस्टी है।
प्लीज डोंट माइंड, हमारा नाम नमन है और हमें नमन कह के बुलाइए। नमन भी ठीक ही है, इसमें माइंड क्या करना है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? काहे कि हमारी मिस्ट्री रो रही है और जब कभी भी हमारी मिस्ट्री रोती है ना तो हम भी रोने लगते हैं। मिस्ट्री देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यही अमर प्रेमी है? देखिए ना, ये देखिए, और हाँ आप भी देखिए, इसी प्रोफाइल से आपने हमसे पूछा था ना हम आपके हैं कौन, और फिर हमने आपको जवाब दिया था हम तुम्हारे हैं सनम। मिस्टी जी आपको ना कंफ्यूजन हो गया, संतू जी ये प्रोफाइल में फोटो हमारा है लेकिन ये हमारा प्रोफाइल नहीं है, हमारे फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मैडम सर ध्यान दीजिएगा। तो तू का सलमान खान है जो तुम्हारा फोटो अपना प्रोफाइल में लगा के कोई लड़की पटाएगा? अरे आप सब झगड़ा बंद करिए और हमारी बात सुनिए, आज से ठीक 6 महीने पहले हम दोनों ऑनलाइन मिले थे ना? नहीं मिले थे। मिले थे, और फिर जैसे ही तुम मिले और फिर दिल खिले। मैडम जी इस बात को 6 महीने नहीं 7 महीने हो गए। तुम्हें कैसे पता? वो हम बेस्टी है ना मैडम। एक्चुअली मैडम हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, हम उसमें मैनेजर हैं, तो कस्टमर को मैनेज करते करते ना हमारी जो बुद्धि है ना बहुत शार्प हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा रेस्टोरेंट का? सफाचट रेस्टोरेंट। मतलब का तोहरा सर से इंस्पायर होकर नाम रखे हैं सफाचट? फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उसके बाद इन्होंने हमसे बात करना शुरू किया और फिर हमें लगा यही है वो जिसका हमें इंतजार था। फिर अमर प्रेमी ने भी हमसे प्यार का इकरार कर लिया। ये देखिए देखिए, और फिर जब हमने इनसे मिलने के लिए कहा ना तो ये देखिए इन्होंने अपनी प्रोफाइल को ही डिलीट कर दिया। क्यों अमर प्रेमी जी, दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था? मुंह से तो बोल दिया, अब कहां से बोलेंगे कि आपको भरोसा होगा? नहीं है मेरा प्रोफाइल, नहीं है मैं वो अमर प्रेमी। अरे तो काई भोली सी लड़की झूठ बोल रही है। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, प्रोफाइल पिक्चर लगा देना इस बात का सबूत नहीं है कि ये अमर प्रेमी है। अरे हसीना जी आप कहा टेंशन ले रही है, हम प्रूफ कर दूंगा ना कि चीता ही अमर प्रेमी है। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, हम अच्छे से जानते हैं कि आप ये सब सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, बिल्कुल कोशिश कर लीजिए हसीना जी। आज फ्राइडे है, शुक्रवार, 2 दिन तो बेल मिलने से रहा, 2 दिन इनकी खातिरदारी की जिम्मेदारी हमारा होगा। मैडम सर, टोपा आदमी है मैडम सर ये, हम समझ रहे हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर चीता को खरोच भी आया ना तो उस बुलबुल पांडे का हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे ना कि धरती पर पैर रखने लायक नहीं रहेगा वो। क्या करेंगी आप करिश्मा सिंह, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारेंगी? आपको मैडम सर हमसे बस इतना ही उम्मीद है ना? एक मिनट, ये तिलमिलाती हुई कहाँ जा रही है? हमारा ना सर दर्द हो रहा है पुष्पा जी, इसलिए हम दीवार की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो दीवार पर सर पटक के क्या होगा, कच्ची दीवार है टूट जाएगी। आप हमारे साथ चलिए, पक्की दीवार की तरफ ले चलते हैं आपको। नहीं, किसी का तो भला हो। हम अपना सर फोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम शीर्षासन करने जा रहे हैं, जाएं। मैडम सर अमर प्रेमी की लोकेशन मिल गई है। हाँ गुड, वेरी गुड, लेकिन ये पता कैसे लगा? सबसे पहले तो आपने जो वेरी गुड बोला ना उसके लिए इट्स ओके, और आईपी एड्रेस हैक करके मुझे लोकेशन मिला। सिंगाड़ा बिल्ले का लोकेशन है? लोकेशन है सफाचट रेस्टोरेंट। नाम है तुम्हारा रेस्टोरेंट का? सफाचट रेस्टोरेंट। एक मिनट, नमन के रेस्टोरेंट का नाम है सफाचट रेस्टोरेंट, करेक्ट? जी।
इसका मतलब नमन ही अमर प्रेमी है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो मिष्टी से झूठ क्यों बोल रहा है? इस नमन का तो हम ऐसा चमन बनाएंगे ना कि टेप रिकॉर्डर की तरह सब उगल देगा। हमें चीता को किसी भी हाल में बेगुनाह साबित करना है मैडम सर। हमें ये केस हमारे तरीका से सॉल्व करने दीजिए। ठीक है, करिए, लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून की जद में रहकर करेंगी, क्लियर? हाँ हाँ। बिल्ले, ये नमन का फैमिली रेस्टोरेंट है। हाँ। नमन तो यहाँ मैनेजर वाला काम कर रहा है और मालिक की गद्दी पे कोई और बैठा हुआ, ये क्या चक्कर है? मैडम, बंगले का मालिक होता है वो अपने पौधे को पानी दे, इसका मतलब ये नहीं कि बंगले का मालिक माली बन गया है ना, समझे माली बात? ए, मेरी बात? बिल्ले चंपत, खेल गए तुम। It's my pleasure. अरे कोई मैडम का ऑर्डर लो ना, नमन भैया किसी को भेजो ना। रघु, नमन भैया एक बात पूछें, अगर लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बोलेंगे तो किसी गंजे आदमी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अरे रमन भैया देखो, सीरियस हो गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाते हो आप भी। जी मैडम, क्या लाओ आपके लिए? दो चाय लेकर आना, फ्री, शुगर फ्री। अमा प्रेमी, रुको, हम ऐसा है करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना से। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ, हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो, हमें जो जानना है ना वो बताओ तुम। तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काय लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। ओ चमन, मैं कब का ऑर्डर दिया तेरे वेटर को? ऑर्डर लेके आएगा या वो भी तेरे बालों की तरह कभी नहीं आएगा? क्या वो ऑर्डर? हाँ अभी भेज देंगे। अच्छा एक जोक और, एक जोक और, अगर किसी टकले आदमी को उर्दू में भगाना हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टकलिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हर छोटी छोटी बात पे सीरियस होना जरूरी है। अमाओ, मजाक करने का बहुत आदत है तुमको। हाँ ये कब से तुमने गंजा और टकला लगा रखा है? अपने जबान को ना तमीज का आदर डालो वरना बदतमीजी के हम ब्रांड एम्बेसडर है, समझ गए तुम? और तुम भी सुन लो, एक और बार गंजा या टकला बोल के किसी का मजाक बनाया ना तो तुम दोनों के बाल जीप से बांध करना, थाने तक लेकर जाएंगे घसीटते हुए, समझे? तुम चाय लेकर आओ, तुम हमारे साथ आओ अमर प्रेमी। तुम्हारा कोई भी जोक नहीं उड़ाएगा, ठीक है? तुमको नहीं सुनने को मिलेगा। तुम बस हमको एक बार बताओ कि तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? यही सब बेइज्जती मैडम, हम जवान बाद में हुए लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक ना जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा, उजड़ा चमन क्या क्या नहीं कहा, और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया। रखो, बहुत बढ़िया, अभी माफी मांगिए। मांगो। सॉरी नमन भैया। अब कट लिए। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी को धोखा काहे दे रहे हो? मैडम, हम धोखा काहे देंगे? धोखा वाली बात हुई ना। नहीं नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे?
हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आता। हमारी बहुत केयर करती है, वो हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं हमारी जान है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। तुम बहुत प्यार करते हो मिष्टी से? बचपन से मैडम। एक तरफा बिल्ले। लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए, डरते थे कि मना कर देगी तो। और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चले जाएगी, इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की। और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उसे। चैट करते करते मिस्टी को भी हमसे प्यार हो गया और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। देखो नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदास जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है, ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं नहीं, हमको छोड़ देगी, हमें पता है, नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। नहीं नहीं नमन, मत घबराओ, बिल्कुल भी मत घबराइए, वो करेगी तुम्हें एक्सेप्ट, वो अपनाएगी तुमको। हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ करिश्मा जी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? पुष्पा जी, जिस दर्द से अभी नमन गुजर रहा है ना, उस दर्द से ना हम भी गुजर चुके हैं, पता है आपको? छोटा पैकेट, बोनी, छुटकी, पता नहीं क्या क्या कह के हमको चिढ़ाते रहते थे, बहुत अच्छे से याद है हमको। हमको पता है क्या बोलते थे कि पुलिस में तो तुम कभी जिंदगी में भर्ती नहीं हो सकती थी, ऐसा बोलते थे। लेकिन तब ना पुष्पा जी, बबीता मैडम ने ना हमारा बहुत साथ दिया था, को बहुत स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, और उसी आत्मविश्वास के साथ हमने उस परिस्थिति का सामना किया और देखिए आज कहां से कहां पहुंच गए। हाँ, मजा आएगा। इसको नहीं ले जाएंगे, इसको नहीं ले जाएंगे, सिद्धू नहीं जाएंगे। करिश्मा जी, हमने आपको कभी बताया नहीं मगर स्कूल में हमारी हल्की हल्की मूछें हुआ करती थी। स्कूल के सारे बच्चे, यहाँ तक कि सारे शिक्षक भी हमें मुच्छड़ मुच्छड़ कह के चिढ़ाते थे। मुच्छे हो तो न थुलाल जैसी वरना ना हो आए। फिर एक दिन ऐसे ही किसी एक लड़के ने हमें चिढ़ाया, हमें इतना गुस्सा आया ना कि उसको पकड़ के हमने तो कंटाप लगाया और सबसे कहा अगर किसी को भी हमारी मर्दानगी पे शक है ना तो सामने आ जाए। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा हमें चिढ़ाने की। आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है पुष्पा जी, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने सम्मान के साथ मेरा नाम रखा बिल्लू जी, लेकिन जब से मेरे बाल बच्चे बच्चे नहीं, तब से लोग मुझे पुकारने लगे गंजा, काला, मोटा, तो मैंने खुद पर ही हंसना शुरू कर दिया। कंटिन्यू। तो उसके बाद लोगों ने चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे कभी किसी ने नहीं चिढ़ाया, मैं हमेशा से परफेक्ट थी। अरे हम ये चाहते हैं कि नमन जैसा भी है खुद को उसी रूप में स्वीकार कर ले बस, और फिर आत्मविश्वास के साथ ना हर परिस्थिति का सामना करें। सही बात है।
ये क्या कह रही हैं आप? नमन ही अमर प्रेमी है? हाँ। निष्ठी, चीता इनोसेंट है, तुम्हें केस वापस ले लेना चाहिए। क्या कह रही हैं आप हसीना जी? ये बकवास सुनने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया? एक लड़की के दोस्त को ही उसका मुजरिम बना दिया, अपने थाने के कांस्टेबल को बचाने के लिए आप एक मासूम पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत खुद नमन ही है, और इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है बुलबुल पांडे। नमन, सच बताओ। देखो घबराओ मत, वो बताओ जो कल तुमने करिश्मा सिंह को बताया था। करिश्मा सिंह ना, मतलब जो केस हमारे पास है, आपने करिश्मा सिंह को वहाँ पूछताछ के लिए भेज दिया? हमने वहाँ उन्हें एज अ पुलिस ऑफिसर नहीं भेजा था। नहीं नहीं नहीं, हम समझ गए, अगर करिश्मा सिंह गई होंगी तो उसने जरूर इसे डराया होगा, धमकाया होगा, ये मानने के लिए कि यही अमर प्रेमी है। कहो नमन, तुम बिल्कुल मत डरो, कहो कि तुम्हें करिश्मा सिंह ने डराया था। देखो अगर तुमने सच सच नहीं बताना तो तुम मुझे जानते नहीं हो। बुलबुल पांडे, अब कौन धमका रहा है उसे, हम या आप? अरे बिस खोपड़ा, तू धमका रहा है तू। सर हमारा मतलब है कि ये हमको ऐसा बोलती अगर हम आपकी जगह होते तो। नमन घबराओ मत, हिम्मत रखो और सच बताओ। नमन तुम ही हमारे प्रेमी हो? दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। हम नहीं है अमर प्रेमी। बाजी जो है हमारे हाथ में आ गई है हसीना मन, अब तो शिकारी जो है शिकार करके रहेगा।